फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आ गया हूँ और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और इस वीडियो का जो भी टॉपिक है आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा। और जो भी इस वीडियो पे आ चुके हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर अभी हम लोग बात करेंगे BSc हॉर्टिकल्चर के बारे में, यानी कि जो बच्चे हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो देखिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों में शेयर करने वाला हूँ। तो हम लोग जो जो टॉपिक में बात करेंगे वो टॉपिक्स है, पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद है एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद है कोर्स फी, उसके बाद है सब्जेक्ट्स, उसके बाद है PG कोर्सेस और आखिर में जॉब्स करियर रिलेटेड सब्जेक्ट। तो शुरू करते हैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला पॉइंट है, जो भी बच्चे क्लास 12 पास कर चुके हैं वही बच्चे एलिजिबल है। ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग इस साल ही पास हुए हैं, पिछले साल के बच्चे भी इसमें एलिजिबल होते हैं। और उसी के साथ आप लोगों को क्लास 11 और 12 में साइंस होना कंपलसरी है, यानी कि आप लोग साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं तो ही आप लोग BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर मैं बता दूँ, साइंस के साथ आप लोगों को क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स रहना चाहिए, ये गवर्नमेंट का रूल होता है। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट कॉलेज वेरी करते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग एडमिशन लेते हैं, तो आप लोग ध्यान रख दे दीजिएगा उसमें। अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए और दूसरा होता है प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो मैं पहले बता दूँ, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 90% कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन होता है। आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा काउंसिलिंग पे, आप लोग एडमिशन फ़ी दे दीजिए और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दीजिए, आप लोग एडमिशन हो जाएगा। हाँ, कुछ कुछ प्राइवेट और कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेते हैं तो आप लोग उसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं तो एग्ज़ाम लेना उनके लिए मैंडेटोरी होता है। अब मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी है, आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के ही एडमिशन मिलेगा आप लोगों को। तो हर एक स्टेट, अलग अलग स्टेट्स का गवर्नमेंट वाइज स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं, तो आप लोग उसमें अप्लाई करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और या फिर आप लोग अगर सेंट्रल का कोई कोटा चाहिए तो आप लोग ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एक बोर्ड होता है, जैसे कि AIPMT का एक बोर्ड है, ऐसे ही ICAR का एक बोर्ड होता है जो इस हॉर्टिकल्चर कोर्स को मैंडेटरी करते हैं। अगर आप लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप लोगों को अच्छा एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों को अच्छा कॉलेज भी मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगे, उसी के साथ अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी रिजल्ट के रैंकिंग के ऊपर। अभी हम लोग बात करेंगे कोर्स फ़ी के बारे में। अगर कोर्स फ़ी का मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी दो टाइप का होता है, प्राइवेट का अलग और गवर्नमेंट का अलग। मैं तो पहले बात करता हूँ गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में आप लोगों का कोर्स फ़ी यानी कि ट्यूशन फ़ी जो होता है वो लगभग 5000 से मैक्सिमम 30,000 पर ईयर के हिसाब से होता है। अब 4 साल का कोर्स है तो मल्टीप्लाइड बाई 4 कर लेना आप लोग। और उसी के साथ एक्स्ट्रा चार्जेस थोड़ा बहुत लगते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी फ़ी, ड्रेस फ़ी वगैरह वगैरह। और अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो उसका अलग सा फ़ी स्ट्रक्चर होता है, जो आप लोग कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे। और वहाँ भी अगर आप, मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज या और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें आप लोगों का फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि लगभग 30,000 से 70,000 तक पर ईयर पड़ जाएगा आप लोगों का BSc हॉर्टिकल्चर प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। और उसी के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फीस भी आप लोगों को पढ़ना होता है, जैसे कि एडमिशन फ़ीस हो गया, लॉन्ड्री, लाइब्रेरी कार्ड, SMS फ़ीस, मेडिकल फ़ीस। बहुत सारे कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटी तो उसका भी फ़ी लेंगे, वाईफाई फ़ीस। और उसी के साथ आप लोग अगर हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो अलग अलग हॉस्टल के हिसाब से, रूम्स के हिसाब से आप लोगों को पे करना होता है। तो हम लोग अभी बात करेंगे सब्जेक्ट्स की। अगर मैं बात करूँ BSc हॉर्टिकल्चर में आप लोग लगभग 40 से 70 सब्जेक्ट्स तक आप लोगों को पढ़ाया जाता है। और BSc हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर्स रिलेटेड, स्पाइस रिलेटेड, मसाले, फूल, उसी के हिसाब से तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो लगभग इतने ही सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे PG कोर्सेज की, तो PG कोर्सेज में आप लोग जितने भी सब्जेक्ट्स BSc में पढ़ चुके हैं उसी के सब्जेक्ट्स में अकॉर्डिंग आप लोग PG कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कोर्स और स्कोप और करियर के बारे में। अगर आप लोग BSc हॉर्टिकल्चर कर चुके हैं तो आप लोगों के लिए प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं या फिर अलग अलग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, तो उसी का मैं डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा। और उसी के साथ मैं इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करता हूँ, इम्पोर्टेंट क्या क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे,
तो इसमें आप लोगों को क्लास 12 पास होना चाहिए, उसके साथ 50% मार्क रहना चाहिए और साइंस स्ट्रीम रहना चाहिए आप लोगों का। एज की बात करो तो मैं आप लोगों का ये उम्र 18 साल से 37 साल तक होना चाहिए। आप उसके बात करो तो एडमिशन प्रोसेस तो गवर्नमेंट में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी है और या फिर काउंसिलिंग इंटरव्यू होता है, और प्राइवेट में 90% में आप लोगों का डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएंगे और कुछ ही में आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। अगर कोर्स फी की बात करो तो मैं आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज में लगभग थोड़ा ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 30,000 से 70,000 तक पर ईयर के हिसाब से 4 साल का कोर्स है, फिर से बता दे रहा हूँ। और उसी के साथ अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो उसमें 5,000 से 20,000 पर ईयर के बेसिस में होता है। हाँ, डिफरेंस होता है हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसेस की तो आप लोगों को एंट्रेंस दे के गवर्नमेंट में जाना है, और डायरेक्टली आप लोग प्राइवेट में ले सकते हैं या फिर एंट्रेंस दे के ही प्राइवेट में जा सकते हो, अलग अलग होता है। अभी मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स की तो BSc हॉर्टिकल्चर में आप लोगों को लगभग 40 से 50 या फिर 60 सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है हर टोटली 4 साल में। हर सेमेस्टर में 6 से 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी वाइज। और अगर मैं बात करूँ करियर स्कोप की, कोर्स करने के बाद आप लोगों को क्या जॉब मिलेगा, तो बहुत सारे सब स्ट्रीम है इसमें, आप लोग जॉब लेना चाहते हो ले सकते हैं, तो उसी के लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। उसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।